हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिंपल मशीन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल परचेज विंच क्रैप के बारे में कि आखिर ये है क्या। ठीक है, इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील के बारे में पढ़े थे, सिंपल व्हील एंड एक्सल के बारे में पढ़े थे। तो आज के सेशन में जो है वह अलग अलग तरह के लिफ्टिंग मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिंगल परचेज विंच क्रैप के बारे में। ठीक है क्या, पहले ये याद रखना है। हम लोग अभी तक जितना भी लिफ्टिंग मशीन पढ़े हैं, दो मशीन ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया हूं और मशीन का थ्योरी पार्ट्स आपको पहले ही बता दिया हूं, जो नहीं देखे वो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो है क्या पहले सिंगल परचेज विंच क्रैप। तो कहता है कि ये एक तरह का लिफ्टिंग मशीन है जिसमें काम करने का जो स्पीड है वो बढ़ता है ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ गियर ड्राइव। सिंपल व्हील एक्सल में जो आप काम कर रहे थे वो स्लोली काम हो रहा था, पर अगर आप इसके मदद से काम करेंगे, लोड को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, तो आपको कम एफर्ट में बड़ा स्पीड से काम हो जाएगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट है क्या पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या करना है, दो सपोर्ट ले लेना है, एक सपोर्ट यहां पर है एक सपोर्ट यहां, तो दो सपोर्ट हम लोग को ऐसे ले लेना है और ये सपोर्ट में यहां पर होल कर देना है और यहां पर भी होल कर देना है, फिर सेम इधर भी होल करना है और यहां भी होल कर देना है। इसमें क्या करना है, एक रॉड को डाल देना है, इसको कहेंगे एफर्ट एक्सल। तो ये देखो ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट में एक एक्सल को डाल दिए, क्लियर है, और इस एक्सल में एक गियर लगा दिए। अगर कोई गियर, तो गियर होता क्या था, ये देखिए ये एक सर्कुलर सेक्शन है और इस सर्कुलर सेक्शन के सर्कमफेरेंस पर अगर आप टिथ बना देते हैं, दांत बना देते हैं, तो उसको हम लोग गियर कहते हैं। ठीक है, तो गियर क्या है, मैकेनिकल एलिमेंट होता है जिसमें इस तरह से दांत बना हुआ रहता है उसके सर्कमफेरेंस पर। ये देखिए ऐसे करके ये गियर है और उसके सर्कमफेरेंस पर इस तरह से दांत बना रहता है, क्लियर है। तो क्या कर रहे हैं, इस एफर्ट एक्सल में एक गियर लगा दिए, इस गियर को हम लोग पिनियन कह रहे हैं। अगर कोई गियर का साइज छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पिनियन कहेंगे, और उसका जो नंबर ऑफ टिथ है उसको हम लोग T1 मान लिए। तो ये आपका एक्सल है और इसमें हम गियर लाके ऐसे घुसा दिए और फिर इसका जो पार्ट्स है इसको सपोर्ट के बीच में, जिसको स्टैंड कह रहे हैं, सपोर्ट कह रहे हैं, सपोर्ट में इसको एडजस्ट कर दिए और एक लीवर ले लिए, इसको लीवर कहेंगे नहीं तो हैंडल कहेंगे, वो इसमें लगा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और गियर लेंगे और उसको क्या करेंगे, लोड एक्सल में लगा देंगे। ये देखिए यहां पर गियर, इसको हम लोग इसमें जितना नंबर ऑफ दांत होगा उसको T2 कहेंगे। तो इसको कहते हैं स्पर गियर, स्पर गियर। स्पर गियर का मतलब होता है अगर किसी गियर का जो टिथ है वह एक्सिस के पैरेलल कटा हुआ, जैसे ये एक्सिस है तो इसके पैरेलल अगर कटा हुआ तो इसको क्या कहते हैं, स्पर गियर कहते हैं, क्लियर है। तो ये आपका एक स्पर गियर है जो लोड एक्सल पर लगा और इसी लोड एक्सल पर एक ड्रम लगा दिए, देखिए ड्रम लगा दिए जिसका डायमीटर D और इसमें रस्सी को लपेट दिए, क्लियर। अब आप क्या करो, हैंडल को यहां पकड़ो ऐसे करके और इसको घुमाओ। तो जैसे ही आप इसको हैंडल को घुमाएंगे, ये देख, तो ये क्या करेगा, ये गियर घूमेगा और ये जब गियर घूमेगा तो इसका दांत इसके दांत में फंसा हुआ रहता है, ये इसको घुमाएगा और लोड जो है इस तरह से लिफ्ट करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे, जब इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये इस तरह से घूमेगा। याद रखना है गियर जो है, दो गियर अगर एक्सटर्नली अरेंज करते हैं तो ये हमेशा अपोजिट घूमता है। किसी गन्ना जूस वाले के पास चले जाएंगे तो वहां आपको गियर लगा हुआ दिख जाएगा, या बच्चा का बहुत सारा खिलौना होता है उसमें भी आप देखेंगे प्लास्टिक का छोटा छोटा गियर बना रहता है, प्लास्टिक का है और इस तरह से गियर बना रहता है। ठीक है, तो वो गियर दूसरे गियर के साथ अरेंज रहता है। तो यहां क्या हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, अगर ये इधर घूम रहा है तो ये इधर घूमेगा और ये जब इधर घूमेगा तो ये रस्सी इस पर लपेटते जाएंगे और लोड ऊपर की ओर उठेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है। ठीक है, यहां पर आप एफर्ट लगाओ, इसको रोटेट कराओ, जब ये रोटेट करेगा तो ये इधर रोटेट करेगा और ये रोटेट करेगा तो लोड इस पर, रस्सी इस पर लपटाते जाएगा और ऊपर चढ़ते जाएगा। तो क्लियर हो गया,
चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है। इट इज अ लिफ्टिंग मशीन इन विच वेलोसिटी रेशियो इज इंक्रीज्ड बाय द गियर सिस्टम। गियर सिस्टम लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके काम को स्पीडली कर रहे हैं। व्हेन ओनली वन सेट ऑफ गियर इज यूज्ड इन विंच क्रैप देन इट इज कॉल्ड सिंगल परचेज विंच क्रैप। अगर हम लोग एक ही गियर के सेट के मदद से काम करें तो इसको क्या कहेंगे, सिंगल परचेज विंच क्रैप कहेंगे। इट कंसिस्ट टू एक्सेल, इसमें दो एक्सेल लगा रहता है, एक यहां पर है जिसको एफर्ट एक्सेल कहते हैं और ये लोड एक्सेल है, ठीक है। बोथ एक्सेल आर माउंटेड ऑन द सपोर्ट, और दोनों को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट के ऊपर रख दे रहे हैं, ओके। और जब हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं हैंडल में, व्हेन द एफर्ट इज अप्लाइड एट द हैंडल देन इट रोटेट द गियर, तो ये गियर को रोटेट करेगा और गियर इसके साथ मिस किया हुआ है, मिला हुआ है, तो ये क्या करेगा, लोड को भी ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा। अब हम क्या बताएं, सारे मशीन में तीन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें जान जाएंगे कि किसको क्या क्या कहते हैं। तो याद रखना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से टर्म को क्या कहते हैं। तो टी वन का मतलब होता है नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, छोटा गियर को हम लोग क्या कहते हैं, पिनियन। तो इसमें कितना दांत है, तो दांत काउंट कर लो, 12 है, 15 है, 20 है, 32 है, कितना दांत है, दैट इज कॉल्ड टी वन। तो पिनियन, पिनियन का जो टीथ होगा उसको हम लोग टी वन से रिप्रेजेंट किए। तो पिनियन किसको कह रहे हैं, छोटे वाले गियर को कह रहे हैं, किससे नाम से डिनोट किए हैं, तो टी वन से। टी टू को क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर गियर, स्पर गियर का मतलब बताती है, जो बड़ा गियर होता है उसको स्पर गियर कहते हैं, और स्पर गियर में जो टीथ होता है, जो इसमें दांत कटा हुआ रहता है, वो एक्सिस के पैरेलल होता है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ द ड्रम है, इसको डायमीटर ऑफ ड्रम कहेंगे, ठीक है। पी क्या है, एफर्ट है, यहां पर हम लोग हैंडल पर एफर्ट लगाते हैं। और डब्ल्यू क्या है, तो डब्ल्यू आपका लोड है, ठीक है। चलो, तो यहां से छोटा छोटा बात आप समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए हम जब एफर्ट लगाएंगे, यहां पर हम लोग एफर्ट लगाएंगे, तो एक चक्कर मारेगा, तो एक चक्कर में इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πL हो जाएगा। एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, और लोड के द्वारा डिस्टेंस कितना मूव करेगा, ये भी एक चक्कर मारेगा, दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। और जब गियर का बात होता है तो गियर का वेलोसिटी रेशियो जो होता है वह होता है T1 बाई T2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चक्कर में इसका कितना वेलोसिटी रेशियो है, तो T1 बाई उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहां ध्यान देना, दो चीज आपको याद रखना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट 2πL और डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, ये तो इसका खुद का सरकमफेरेंस पाई टी, और इसको वेलोसिटी रेशियो के साथ गुना कर देते हैं, तब यहां से आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंगल परचेज विंच क्रैप का। क्या पढ़े थे बाबू, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट 2πL, एल का मतलब यहाँ रेडियस की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई डी इंटू T1 बाई T2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यूज आ रहा है, पाई से पाई कट जाएगा, तो 2 देखिए 2L डिवाइडेड बाई D इंटू T2 बाई T1, और इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो आपका निकल गया कि वेलोसिटी रेशियो कितना हो रहा है। अब चलिए यहीं पर आ जाते हैं, ठीक है, यहीं पर अब हम लोग इसका मैकेनिकल एडवांटेज लेते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो किसी भी लिफ्टिंग मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज आपको याद है, मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज को एम डॉट ए करते हैं, और ये हमेशा याद रखना है लोड बाई एफर्ट होता है, ठीक। तो लोड आता रहे पता रहेगा, बस मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, वेलोसिटी रेशियो अभी निकाल लिए, 2 गुना लेंथ ऑफ लीवर, डायमीटर ऑफ ड्रम इनटू T1 ऑफ पिनियन, सॉरी T2 ऑफ गियर बाय T1। इस यही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें हर मशीन में वेलोसिटी रेशियो आपको याद करना। और फाइनली क्या है, इफिशियंसी ऑफ ए मशीन, तो इफिशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है वो ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि एक सिंगल परचेज विंच क्रैप है जिसमें आपको लोड जो है वह 2 kN का लिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम आपको होमवर्क ही दे देते हैं, आप खुद से करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। तो लोड अगर 2 kN है और एफर्ट आप जो लगा रहे हैं वो एफर्ट कितना दिया हुआ है, एफर्ट मान लेते हैं कि यहाँ 100 N एफर्ट आप लगा रहे हैं, क्लियर। अच्छा, ड्रम का जो डायमीटर है डी कह रहे हैं,
इसका डायमीटर मान लेते हैं कि यहां पर 100 mm दिया हुआ, 100 mm दिया हुआ, ठीक है, या ज्यादा है इसको कम कर देता हूं, 50 mm दिया हुआ। और लेंथ ऑफ द लीवर है, ध्यान देंगे, लेंथ ऑफ लीवर जो है एल, इसको भी हम लोग ले लेते हैं 100 mm, 100 mm ले। अच्छा, नंबर ऑफ टीथ जो है पिनियन का ले लेते हैं 16 ले लेते हैं, और गियर पर जो नंबर ऑफ टीथ होता है वो मान लेते हैं 32 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इफिशियंसी क्या होगा। तो आप मेरे लिए इस क्वेश्चन को बना के रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए मशीन के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू।